Good morning, one and all. Let's start with the Hindu analysis. Aaj November 1st hai 2020. Page 1 pe PM slams politics on Pulwama. Again, this is completely political in nature. So if you're interested in this, you can read it. Otherwise, it's not that important. What is important for you is that PM Narendra Modi has said minimum government, maximum governance ke liye. जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको बाबू माइंडसेट नहीं रखना चाहिए एंड दे शुड स्टार्ट वर्किंग रियली वेल. बट चलो ठीक है, दैट इज फॉर अनदर डे. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. तो कल हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. किसको दी जाती है? पोलिटिकल कैंडिडेट्स को दी जाती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके इन आवर डेमोक्रेसी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 के अंदर आती है. एंड वी हैड स्पोकन अबाउट इट यस्टरडे दैट दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, दिस इज नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर. हाउएवर कुछ प्रोविजंस होती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो कि उठाई जाती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से या इंडियन पीनल कोड से या सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, जिसकी वजह से अगर इसके खिलाफ कोई कुछ करे तो उसको ऑफेंस बोला जा सकता है. अब नाउ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट, उसको बोला गया है बाय इलेक्शन कमीशन कि हम आपका नाम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम स्टार कैंपेनर फॉर हिज पार्टी. वो क्यों बोला गया उनको? क्योंकि उन्होंने काफी गलत शब्द इस्तेमाल किए थे फेलो पोलिटिकल कैंडिडेट्स को लेके. इवन अ वुमन, ही यूज द टर्म आइटम फॉर अ वुमन पॉलिटिशियन. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ये वाली चीज थोड़ी गलत मानी गई और इसीलिए बोला गया कि हम आपको स्टार कैंपेनर नहीं रखेंगे. अब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर चीज को लेके ये पार्टी चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास और उनका ये कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बात तो अनएनफोर्सिएबल होता है और दूसरी बात ये स्टार कैंपेनर वाली जो बात है, कौन हमारी पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर होगा, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करेगी कि कौन उनका स्टार कैंपेनर है और कल जाके अगर स्टार कैंपेनर को हटाना है तो वो भी डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी ही लेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं ले सकती. इस करके दे आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे वॉन्ट टू टेल द सुप्रीम कोर्ट कि ये स्टार कैंपेनर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हटवा सकते. क्यों? क्यों करके हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी विल ओनली डिसाइड. लेट्स रीड इट, लेट्स रीड फ्रॉम हियर. व्हाई एम आई नॉट लुकिंग इनटू द अदर पैराग्राफ्स? बिकॉज दे आर प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर. सो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड रीड इट, बट यू डोंट नीड टू नो कि कौन सी पार्टी में से कौन सा इंसान ने किसको क्या बोला. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग होगा तो पढ़ लीजिएगा. I am talking about the facts. So petition jo thi, it said it is the prerogative of his party, माने ये पूरी के पूरी पार्टी के ऊपर निर्भर है कि स्टार कैंपेनर कौन होना चाहिए और उसको कैसे हटाना चाहिए. स्टार कैंपेनर मतलब सारे कैंपेन कर रहे हैं लेकिन एक पॉलिटिशियन का चेहरा हर एक पोस्टर पे दिखता है, वो स्टार कैंपेनर हो गया, लाइक द हीरो ऑफ द मूवी. So section 77 clause 1 of Representation of People's Act 1951, read with the guidelines for star campaigners issued by the Election Commission. So कौन से दो चीजों की बात चल रही है? एक हम बात कर रहे हैं RPA के बारे में, साथ ही साथ हम guidelines की बात कर रहे हैं जो guidelines star campaigner के ऊपर बनती है. कौन बनाता है? ये Election Commission of India ने ही बनाई है. इन दोनों को नजर में रखते हुए कहा गया that from time to time make selection or revocation of star campaigners the sole prerogative of the political party. ab ye to political party ke haath mein hai ki star campaigner kaun hoga. saath hi saath is petition mein ye bhi kaha gaya hai ki appropriate guidelines for speeches during campaigning by star campaigners should be keeping in mind the right to speech and expression and concepts of democratic elections should be made. तो
कल जाके कोई एक स्टार कैंपेनर, अगर रूल्स ये कह रहे हैं कि ये जो स्टार कैंपेनर है उसको कौन डिसाइड करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करेगी वेदर टू सिलेक्ट वेदर टू रिमूव, लेकिन साथ ही साथ अगर वो इंसान कुछ गलत बातें बोलता है अंडर द गार्ब ऑफ आर्टिकल 19 कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इस चीज को रोकने के लिए अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस बना के दो जो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी ना छीने और जो कि डेरोगेटरी भी ना माना जाए, ताकि आगे चल के ऐसे टाइप के केसेस दोबारा से ना आए. राइट. द पिटिशन एक्सप्लेन्ड हाउ इलेक्शन कमीशन एट फर्स्ट इशू अ नोटिस ऑन 21st फॉर वायलेटिंग MCC एंड दैट द रिमार्क्स दैट द पर्सन सेड दैट द रिमार्क्स वर कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड दैट देयर वाज नो मैलिस और इंटेंट टू डिसरिस्पेक्ट ऑन हिज पार्ट. So that is your subjectivity. If a man calls another woman an item, is it correct? Is it not? ये आपकी subjectivity है, पर हमने इसके factual circumstances पढ़ लिए. अब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में. So कल भी हम लोगों ने इसकी बात की. In fact, जब से COVID lockdown चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान हर एक discussion का part है, because it is a huge program. इकोनॉमिक स्टिमुलस जो सरकार ने इनिशिएट किया है ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने. सेल्फ रिलायंट के साथ ही साथ हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब क्या होता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, इनके पास कैंटीन्स होती हैं जहां पे खाना पीना बहुत सारे चीजें अल्कोहल ये सब कुछ मिलता है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को एट रैशनलाइज्ड प्राइस. ठीक है. सो ये कैंटीन से ये सामान लेते हैं. अब ये कैंटीन के अंदर ना बहुत सारा ऐसा सामान भी आता है जो हमारे देश ने इंपोर्ट किया है और फिर ये पर्सनल इसको खरीद रहे हैं. इसका मतलब अगर मैं इम्पोर्टेड गुड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कप, हम एक इम्पोर्टेड कप लेकर आ रहे हैं इन कैंटीन्स में, मतलब मेरी जो डोमेस्टिक मार्केट है ये जो कप बना रही है ये कप इन कैंटीन्स में नहीं जा रहा है और ये पर्सनल इन कप्स को नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से ये जो डोमेस्टिक मार्केट है ये इतना ज्यादा शायद प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है या फिर इतने सारी जॉब्स नहीं दे पा रही है. इस चीज को बदलने के लिए क्या बोला, बोला ये जो इम्पोर्टेड चीजें हैं वो ये कैंटीन में मत लेकर आओ, यहाँ पे कैंटीन्स में डोमेस्टिक मार्केट का सामान लेकर आओ और फिर जाके बेचो इसको बहुत सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फैमिलीज को, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बढ़िया करेगी. एट द एंड ऑफ इट ऑल पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट बनेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, डिमांड की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली GDP बढ़ेगा. फिर दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ऑलरेडी जो ये कैंटीन्स में सामान पड़ा है जो ऑलरेडी हम लेकर आए हैं और इंपोर्ट करके आए हैं, क्या उसको उठा के कचरे की पेटी में फेंक दोगे? विल यू वेस्ट इट? नो, वी विल नॉट वेस्ट दिस. इसको तो बेचेंगे ही बेचेंगे, पर इसके बाद इंपोर्टेड गुड्स यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे, डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स लेकर आएंगे. दिस इज योर article, let's read it. The unit run canteens of the armed forces will stop selling 422 directly imported items. 422, imagine. अच्छा कौन सी ministries यहाँ पे आ जाएगी? एक तो ministry of defence तो आएगा ही आएगा, following an order from the defence ministry in support of Atmanirbhar Bharat. The CSD canteen has issued a notification to all its depot managers to this effect. To implement government's vision of Atmanirbhar Bharat and as per the directions of the Ministry of Defence, no purchase order will be placed for directly imported items with immediate effect. However, there is no restriction in supply of pending purchases orders and sale to the unit run canteens till the stock of imported items are liquidated fully. मतलब जो ऑलरेडी सामान हम ले आए हैं वो यूनिट रन कैंटीन से बेच दो और मत लेकर आओ इंपोर्टेड वाले सामान. यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लेस एनी लोकल परचेज ऑर्डर ऑन द इंपोर्टेड आइटम्स.
The CSD, which functions as an attached office of the ministry, has around 34 depots located across India. It has a portfolio of around 4,500 products from 650 vendors from India and foreign. अब ये देखिए कि ये लिस्ट जो है इम्पोर्टेंट गुड्स की इट इंक्लूड्स लीडिंग ब्रांड्स एंड अ डिफेंस ऑफिशियल सेड दैट वॉल्यूम्स आर सो हाई दैट इट शुड एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर कंपनीज टू लोकलाइज वोकल फॉर लोकल करेक्ट. इतनी सारी सीएसडी कैंटीन्स हैं, इतनी ज्यादा यूनिट रन कैंटीन्स हैं कि और इतने सारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं कि अगर हम ये इम्पोर्टेड गुड्स ना बेचें सीएसडी कैंटीन्स में तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पंजाब की स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया टू काउंटर द सेंट्रल फार्म लॉज, अब राजस्थान ने भी बिल पास कर दिया है टू काउंटर इट. So the Rajasthan government on Saturday introduced three bills in the assembly to stop the applicability of new agricultural sector. The bills were tabled following a similar move which was done by the Punjab assembly last month. तो बहुत सारे इन्होंने bills बनाए जिसमें से एक important point हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं. पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको समझते हैं. तो कहते हैं अलॉन्ग विद अनदर बिल सीकिंग टू अमेंड द सिविल प्रोसीजर कोड फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरिस्ट लैंड मेजरिंग अप टू 5 acres अगेंस्ट अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इशूड बाय द कोर्ट इन द केसेस ऑफ मॉनेटरी अवार्ड. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, दे आर सेइंग कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट है, लेट्स से ए, ए के पास 5 acres से कम जमीन है और कोई तो कोर्ट ने ऑर्डर पेश किया है, सो ए ने लेट्स से लोन लिया है और उसने लोन वापस नहीं दिया और उसने अपने लैंड को गिरवी रखा है यहाँ पे, तो अगर ये लोन वापस नहीं देता तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये इसकी जमीन को सेल कर दो, ठीक है, या फिर इसको अटैच कर दो, अटैच दिस प्रॉपर्टी, ये बैंक के पास ही रह जाएगी. तो ये वाली चीजें ना हो सके इसके लिए ये बिल पास किया है, जस्ट टू सेव सच अ लैंड, राइट. द थ्री बिल्स पर्टेनिंग टू द स्टेट अमेंडमेंट टू द सेंट्रल स्टैट्यूट्स आर द फॉलोइंग, वही सेम फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस राजस्थान अमेंडमेंट बिल टू 2020. Then all the three acts basically of the center, उसमें अपना खुद का perspective डाल के bill बनाया है Rajasthan Assembly ने. So according to the statement of objects and reasons for the bills, Parliament introduced a mechanism which was vulnerable to encroachment and manipulation by vested corporate interests, leaving the farmers open to the vagaries of market forces. ये Rajasthan का कहना है कि जो भी सेंटर ने लॉ बनाया है, इस वजह से जो नेगोशिएटिंग पावर होती है, जब भी कोई डील हम करते हैं तो नेगोशिएटिंग पावर, अगर दोनों पार्टीज की नेगोशिएटिंग पावर इज इक्वल तो हम बोलते हैं दैट द डील इज फेयर, फेयर डील हुई है. पर जैसी नेगोशिएटिंग पावर अनइक्वल होती है, मतलब एक थोड़ा बड़ा दूसरा थोड़ा छोटा इन टर्म्स ऑफ रिच और पुअर, यू नो, प्राइवेट और गवर्नमेंट, लाइक दैट, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में मोर देन 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं. तो जब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते एक प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी नेगोशिएटिंग पावर अनइक्वल हो जाएगी, माने ये प्राइवेट कंपनी जो इतने हजारों करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं उनके सामने ये अनइक्वल रह जाएंगे और इसीलिए इनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर भी हो सकते हैं. इसके बेसिस पे मेजॉरिटी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द राजस्थान गवर्नमेंट इज आल्सो सेड. देयर हैज बीन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटरेज अमंग्स द फार्मर फार्म लेबर्स. द डायरेक्ट consequence of the Central Act will be to nullify the MSP. See, now nullifying MSP or not is another deal altogether, because MSP jo hai wo CACP ke andar aa jata hai, Ministry of Agriculture ke andar, aur uska APMC se koi lena dena nahi hai aur isme humne pura padha hai
कुछ क्रॉप्स अभी स्वामीनाथन फॉर्मूला के बेसिस पे आ रहे हैं, उस पे एमएसपी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सीएसईपी अपने खुद के फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करता है एमएसपी, ये अलग बात है. एमएसपी जो मिलती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज ऑल्सो क्वाइट लेस, बट यस दैट अगेन इज योर सब्जेक्टिविटी. सो लेट्स रीड दिस. द स्टेट गवर्नमेंट कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर वेस्टेड अंडर आर्टिकल 254. नाउ आर्टिकल 254, यहाँ पे क्लॉज टू की बात कर रहे हैं. 254 क्या है? ये पार्ट 11 में आता है. पार्ट 11 क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस, करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? ये आर्टिकल कहता है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको सामने लेके जाएंगे. ये हमने पंजाब के भी बिल की जब बात की थी, वी हैड डिस्कस्ड इट, बट लेट्स डिस्कस इट अगेन. सो पार्लियामेंट सेज समथिंग, ओके, इट सेज एक्स, फिर बाद में स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना के बोला नॉट एक्स, अलग लॉ बना दिया. क्या ये ऑटोमेटिकली कैंसल हो गया? नहीं. ऐसा जो लॉ है ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास. अगर प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दे दिया यहाँ पे कि यस ये स्टेट लेजिस्लेचर ये वाला लॉ बना सकती है, तो ये भी लॉ रहेगा, ये भी लॉ रहेगा. एग्जैक्टली. पर इस स्टेट में यही वाला, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. अब आगे हम देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट की एक्चुअली परमिशन मिलती है इसमें कि नहीं मिलती है. जैसी असेंट मिलेगा तो नथिंग that the center does will remove this law, correct? Okay, this is another article. आप ये पढ़ सकते हैं. बहुत ही बढ़िया एक model है of sustainable development, right? तो यहाँ पे कोलकाता में जो disposed of used या waste tires हैं, उनको use करके they have made a very nice park out of it. तो वो ही है. It is the country's first tire park and it has been made by the West Bengal Transport Corporation. Sustainably, aap ek cheez ko use kar rahe ho, usse aap tourism badhane ki koshish kar rahe ho, taki wo eyesore na rahe, aapki city bhi achhi lage aur kahin na kahin wo aapke liye paise bhi kama ke de, aapki economy ko bhi badhaye. So you can read this. Air quality to improve in the coming days. Again, Delhi ke bare mein baat hai. Kehte marginal improvement hai, lekin abhi bhi AQI mein very poor status hai. Aage chalke thoda better ho sakta hai. Ab, now we are talking about the altered court order. Thoda aur bhi baat karenge iske bare mein. Ek aur article hai, which is right next, right? It's associated with this, but first let's read this one. तो ये वाला क्या है? ये दिल्ली की बात लेके चल रहे हैं, बट हम लोग इसको बोलेंगे एक्सेस टू जस्टिस, राइट? चाहे पैंडमिक हो, चाहे एपिडेमिक हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेस टू जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी ऑफ जस्टिस, करेक्ट. सो नाउ इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे ये पैंडमिक हुआ था, पैंडमिक होने के बाद सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं वो शट डाउन हो गए थे. कोर्ट्स को हमने शट डाउन कर दिया था. थोड़ी देर तक ये शट ही रहे थे, लाइक मेनी मेनी अदर केस. यहाँ पे केसेस पेंडिंग रह रहे थे. फिर थोड़ी देर के बाद ऑनलाइन मैकेनिज्म से ये कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई. ऑनलाइन मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ जो हाईली इंपॉर्टेंट सीरियस केसेस थे उन्हीं को देखा गया. इसका मतलब जो नॉन सीरियस केसेस थे उनको नहीं देखा गया, मतलब केसेस अभी भी पेंडिंग हैं. अब ऑनलाइन जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को नॉलेज है ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ को नॉलेज नहीं थी ऑफ टेक्नोलॉजी. देयर वर सम हु डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. दीज पीपल सफर्ड अ लिटिल, दीज पीपल स्टार्टेड डूइंग इट वेल. इसी के ऊपर ये केस है कि कभी भी, यू नो, इवन इफ द हेवेंस मे फॉल, जस्टिस हैज टू प्रिवेल ऑल द टाइम. सो ये इसके ऊपर है. लेट्स रीड इट. तो कहते हैं, व्हेन द फर्स्ट लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन आवर कंट्री ऑन मार्च 24th आफ्टर कोविड आउटब्रेक, मच लाइक एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट्स आल्सो डिसाइडेड टू शट डाउन.
the most drastic impact was seen at the district court here. See, why are they talking about district court alag se? Because actually pura ka pura case jo hota hai, wo district level tak ban jata hai. Uske baad to sirf appeals hoti hai high court, supreme court mein. Correct. The supreme court decided to shut down all forms of physical hearing to reduce the physical presence of lawyers, litigants, court staff. Right. Only cases that involved extreme urgency were taken up while others were adjourned for a later date. So kya hua ki disposal rate, what do you mean by disposal rate? Disposal rate hota hai ki fatafat se ye case ki sunwai khatam hona. Obviously agar pending hai, agar kuch hi log hai jo ki technology driven hai, jo ki ye cases le pa rahe the, to bahut sare log ye cases nahi le pa rahe, bahut sare lawyers apna kaam nahi kar pa rahe the, jis wajah se केस खत्म करने का रेट, डिस्पोजल ऑफ द केस, वो और कम होने लग गया. अब एक्सेस टू जस्टिस की अगर हम बात करें, एक्सेस टू जस्टिस इज अ फंडामेंटल, इज फंडामेंटल टू प्रिजर्व द रूल ऑफ लॉ इन द डेमोक्रेसी एनवेसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, एक्सेस टू जस्टिस इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी फंडामेंटल. क्योंकि ये नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से रहेगा? रूल ऑफ लॉ हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए एक्सेस टू जस्टिस तो पक्का ही देना पड़ेगा. द चैलेंजेस ओकेजन बाय द पैंडेमिक आउटब्रेक हैव टू बी एड्रेस्ड व्हाइल प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू एंश्योरिंग द डिलीवरी एंड एक्सेस टू जस्टिस. सी, आई विल टेल यू व्हाट, पैंडेमिक शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज टू डू मेनी थिंग्स. I get it that it's a huge deal. बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है, पर just, और ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कि highest interpreter है of the constitution in your country. Just because there's a pandemic does not mean कि आप justice नहीं दोगे लोगों को, कि घर पे बैठ जाओगे. अब justice बहुत ही बड़ा term है, justice में education भी आ जाती है. Just because there's a pandemic does not mean कि मैं कोई education नहीं मिल रही है, just because मेरे पास digital technology नहीं है या मेरा internet अच्छा नहीं है. Justice नहीं, अगर मेरे को job मेरे को नहीं मिल रही या job से निकाला गया है तो वो भी मेरे को injustice लग रहा है. क्योंकि justice को कैसे define किया है preamble ने? Social, economic and political justice. ये तीनों की तीनों justice हैं, ये हमारे preamble ने बोला है. तो अगर ये तीनों की तीनों चीजों में से किसी में भी मुझे इनजस्टिस मिल रहा है इन द नेम ऑफ पैंडेमिक, तो वो गलत है. क्योंकि ये जो जस्टिस है, दिस इज फंडामेंटल टू माय रूल ऑफ लॉ, एंड रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज फंडामेंटल टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हेंस द गवर्नमेंट एंड ऑल द थ्री ऑर्गन्स शुड मेक श्योर कि लोगों को जस्टिस मिले. So this is what the article is all about. कि अब क्या है, इन्होंने ये graphical representation दिखाई है. 2019 is basically red and 2020 is blue and this is Delhi High Court. This is Delhi का district court. सिर्फ High Court देखते हैं. कहते कितने number of cases, ये January, February, March ऐसे करके बोला है. कहते 2019 में in the month of May 5,989 cases हुए थे और इस बार सिर्फ 764 हुए हैं. जून में थोड़े बड़े हैं, जुलाई में और कम है, अगस्त में कम है, सितंबर में कम है, या फिर केसेस कम है, या फिर लोग आना नहीं चाहते. करेक्ट. इन बोथ द केसेस जस्टिस हमेशा मिलनी चाहिए बिकॉज दैट इज फंडामेंटल टू अस. अब इसके बाद लॉकडाउन, फेस मास्क, यू नो, किसी ने किसी को धोखाधड़ी कर दी, सिविक बॉडीज पेंशन्स नहीं दे रही क्योंकि पैसा नहीं है लोकल बॉडीज के पास, क्योंकि स्टेट के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि डिमांड नहीं तो उनको टैक्सेस नहीं मिले. ये चीजें हम लोगों ने की हुई हैं. ओके, हु अर्जेस नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाई डज उद्धव ठाकरे अर्ज द सेंटर टू रेज अनियन स्टॉक होल्डिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ध्यान से सुनिए. सो अगर हम एक let's talk about a wholesaler, a retailer, finally a consumer, and of course a producer. तो ये producer जो है ये onion बना रहा है, मतलब उसको उगा रहा है.
फिर बेच रहा है होलसेलर के पास जो कि थोक के भाव में खरीदता है चीजें, फिर इसके बाद ये जाता है रिटेलर के पास जो कि शॉपकीपर होते हैं, ये खरीदता है इनसे, और फिर जाके कंज्यूमर के पास ये चीज जाती है। ऐसा भी है कि प्रोड्यूसर से सीधा रिटेलर खरीद लेता है, हमारे एग्जाम्पल में हमने ऐसे लिखा है। सो क्योंकि सेंटर ने स्टॉक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप स्टॉक रख नहीं सकते, किस चीज पे, अनियंस के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे बढ़ रहे हैं, इट इज सर्जिंग द प्राइस। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला कि ये जो स्टॉक लिमिट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, क्योंकि क्या है कि अगर कम खरीदेगा होलसेलर और फिर ये रिटेलर को देगा तो इसको इतना फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा नहीं खरीद रहा, ना ये इतना ज्यादा खरीद रहा है, और फिर एंड में क्या होगा, यहाँ पे अनियंस जो है, क्योंकि ये लोग कम खरीद रहे हैं तो अनियंस इनके पास कम रह जाएंगे, द सप्लाई ऑफ अनियन इज लेस देन द डिमांड फॉर अनियन, सो व्हेन द सप्लाई इज लेस देन द डिमांड द प्राइस ऑफ अनियन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। करेक्ट। एक और चीज, चलो एक एक करके पहले पढ़ते हैं। सो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर हैज अर्ज द सेंटर टू इंक्रीज द अनियन स्टॉक लिमिट टू 1500 मेट्रिक टन्स फॉर होलसेल ट्रेडर्स इन द स्टेट हु परचेज द बल्ब डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। सो ही सेज होलसेल ट्रेड्स हैव स्टॉप्ड परचेजिंग अनियन फ्रॉम फार्मर्स ड्यू टू द लिमिटेड स्टॉक लिमिट ऑफ 25 मेट्रिक टन। इनको बोल दिया 25 मेट्रिक टन, कहते इसमें तो हमारा फायदा ही नहीं हो रहा, तो हमें ये नहीं खरीदना। दिस हैज स्टॉल्ड द सप्लाई चेन फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर को, ये बेसिकली फार्मर है, कहते अगर ये आप नहीं खरीदोगे तो ये सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाएगी और कंज्यूमर को कम चीज मिलेगी और वो ज्यादा दाम देगा उस कम चीज के लिए, राइट। खारिफ, नाउ अराइवल ऑफ खारिफ अनियन इज लाइकली टू बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। लेकिन जो खारिफ अनियन है वो हाईली पेरिशेबल होता है। If this onion is not purchased by traders due to the present cap on stock holding, farmers will face huge losses. तो अब क्या है, राबी वाला सीजन तो हो गया, अभी खारिफ वाला अनियन आपको मिलेगा। ये जो अनियन है वो हाईली पेरिशेबल है, मतलब फटाफट से खराब हो सकता है। तो ये जब फार्मर इस अनियन को हार्वेस्ट करके देगा होलसेलर को, अगर होलसेलर ने ये नहीं खरीदा तो यहाँ पे बैठे बैठे वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत लॉसेस हो सकते हैं फार्मर को। सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ये चीज क्यों बोल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अनियन एंड इट अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द टोटल कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। सो सीएम सेज की लिमिट ऑफ 25 मेट्रिक टन फॉर होलसेल ट्रेडर्स एंड 2 मेट्रिक टन, इनको बोल दिया 2 मेट्रिक टन ही रख सकते हैं, फॉर रिटेलर हैज कॉज सिवियर हार्डशिप्स। So the state accounts for 80% of the onion exports. So imagine, Maharashtra जो है, अगर onion के बारे में बात करें, तो एक तो वो leading producer है, leading in the sense 1/3 of जितना भी onion produce होता है वो महाराष्ट्र में होता है, और 80% जो export होता है वो भी महाराष्ट्र के onions ही होते हैं। So he says in the last season onion production was approximately 100 lakh metric ton. This year, क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, फ्लडिंग हुई है इन मेजर अनियन स्टेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो डैमेज स्टैंडिंग खरीफ क्रॉप्स एंड इट हैज लेड टू द इंक्रीज इन प्राइसेस इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये बोला गया है कि इनको थोड़ा सा आप बढ़ा दो ताकि ये थोड़ा बेटर हो जाए होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए, कस्टमर के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मर के लिए, राइट। अब इसके बाद आगे, सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट एक्सेस टू जस्टिस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट एक्सेस टू जस्टिस, राइट। यस, सो सीजीआई ओपन्स अप फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर इन नागपुर। तो नागपुर में सबसे पहली बार ये अक्टूबर 31st को ही हुआ है, ये हमारे देश का सबसे पहला ई रिसोर्स सेंटर है न्याय कौशल। कहाँ पे खुला? नागपुर में खुला। नागपुर में कहाँ पे खुला? नागपुर में जो जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें खुला है। इधर क्या होगा, ये फैसिलिटेट करवाएगा, फैसिलिटेट का मतलब हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करवाएगा ई फाइलिंग। तो पहले हम पर्सनली जाके फाइल करते थे, फिजिकली फाइल करते थे अपने केसेस को, अब हम ई फाइलिंग कर सकते हैं केसेस को किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
through this particular platform, right? Through this platform. So let's read it. Chief Justice of India, along with Supreme Court Judge, inaugurated Nyay Kaushal, the country's first e-resource center at the Judicial Officers Training Institute. फिर इसके अलावा एक वर्चुअल कोर्ट भी बनाया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, जो कि चलान केसेस के लिए डील करेगा और स्पीडी जस्टिस देगा लिटिगेंट्स को. सो हमारे चीफ जस्टिस ने बोला, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट केम विद द पैंडेमिक वाज द एक्सेस टू जस्टिस. एक्सेस टू जस्टिस बिकमिंग कंडीशनल ऑन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. बहुत बढ़िया चीज बोली है, काफी हार्ट वार्मिंग भी है. कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस was dependent on access to technology. Technology है तो justice है, technology नहीं है तो justice नहीं है. ना social justice, ना economic justice, ना political justice. So इसकी वजह से एक digital divide बन गया है. A divide between the ones who can afford technology and ones who cannot afford technology. With the aid of virtual courts, our system of justice does not suffer and the rule of law is maintained. तो ये rule of law को maintain करने के लिए ये initiative लिया गया है. The e-resource center is meant to be a step at mitigating matlab reducing various inequalities by being connected to the Supreme Court, the High Court, the Taluk Court, District Court, Taluk Court, Lower Court, har ek court mein aap e-filing kar sakte hain. The center will provide the easiest way of filing court matters by using technology. It will help to save time, money and avoid the long travel. You don't even have to go to the Nyay Kaushal. एक तरीका होगा जो तरीका आपको सिखाया जाएगा और ऑनलाइन ही आप अपनी ई फाइलिंग कर सकते हैं टू एनी कोर्ट. सो ये वर्चुअल कोर्ट विच विल फंक्शन फ्रॉम कतोल, यहाँ पे ये ट्रैफिक वाले की बात कर रहे हैं, कहते कि इट विल बी पॉसिबल फॉर लिटिगेंट्स टू पे फाइन एंड गेट डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट गोइंग. सो अगर किसी का चलान हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये महाराष्ट्र में खुला है, तो पहले क्या होता था, चलान के बाद आपको पहले कोर्ट जाना पड़ता था, फिर एक आपको टाइम मिलता था, फिर आप उधर वेट करते थे, फिर आप अपने पैसे पे करते थे, फिर कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपको आपकी गाड़ी वापस मिलती थी. अब क्या है, अगर चलान हो गया, ये महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, राइट. अगर दिल्ली ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू वर्चुअल, फर्स्ट स्टेट नहीं क्वाज़ाई स्टेट बोलेंगे, टू स्टार्ट दिस वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट. सो ऑनलाइन ही आप वो चलान वगैरह पे कर सकते हैं, आपको टिकट मिल जाती है एंड देन यू कैन गो अहेड. सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी. ऑल द जजेस अक्रॉस द कंट्री विल बी एबल टू एक्सेस द कोर्ट ऑनलाइन, विच इज ऑल्सो ग्रेट, राइट. सो दिल्ली वॉज द फर्स्ट, इसकी बात हम कर चुके हैं. सो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि एक्सेस टू जस्टिस बहुत फटाफट से हमें मिल सके. Then regional news में काफी ज्यादा politics है. Again, so Odisha is saying we will open schools after November 15 और बाकी सारे academic institution को close कर दिया till November 30th. तो अब access to justice में थोड़ा education का भी access increase होना चाहिए. It's high time. Then beaches and ये unlock वाली की बात चल रही है यहाँ पे. Not that important. पोलिंग फेज हो रहा है बिहार में. अगेन पॉलिटिक्स, अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. नाउ वी विल गो ऑन टू दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो. अब हम जे एंड के की बात कर रहे हैं, जे एंड के एंड जे एंड के लैंड की बात कर रहे हैं. सो अभी हाल ही में एक डिसीजन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्स्टवाइल. अर्स्टवाइल मतलब पुरानी एक एक्ट. कौन सी एक्ट? जे एंड के रोशनी एक्ट. पर आपको पहले ये जे एन के रोशनी एक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हमें ये पता चल जाएगा. सो जे एन के रोशनी एक्ट ये 2001 में बनी थी. ओके, सो इट वॉज इनएक्टेड एंड बाय द चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्लाज गवर्नमेंट, करेक्ट. 2001 में ये एक्ट बनी थी. और इस एक्ट का काम क्या था? सो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट ऑफ स्टेट लैंड टू ऑक्यूपेंट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ अ कॉस्ट विच वॉज डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट. सो एक लैंड है जो बेसिकली स्टेट का लैंड है, इसको हम बेच रहे हैं एलिजिबल लोगों को. वी आर गिविंग इट टू एलिजिबल पीपल, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एलिजिबल लोग कौन है. और ये एलिजिबल लोग सरकार को पैसा देंगे, दे विल गिव देम मनी इन रिटर्न.
और कितना पैसा देंगे ये भी सरकार डिसाइड करेगी। तो स्टेट का कुछ लैंड हमने एलिजिबल बेनिफिशरीज को दे दिया और उन्होंने सरकार को पैसा दे दिया और उनको ये जमीन मिल गई। अब ये जो पैसा है जो सरकार को मिला, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वो यूज करने वाला था, हेंस द नेम रोशनी। ठीक है, सो इस तरीके से सरकार चाहती थी कि ये अर्न कर ले 25,000 करोड़ रुपीस, और कितना ये लैंड ट्रांसफर करना चाहती थी, 20 लाख कनाल, किसी एक को नहीं, बहुतों को। सो 20 लाख कनाल बेच के 25,000 करोड़ रुपए कमाना चाहती थी स्टेट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में इसको यूज करती जेएनके की सरकार, और इसीलिए इसका नाम बन गया रोशनी। अब क्या हुआ कि ये 25,000 करोड़ नहीं कमा पाए, तो बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने और फर्दर रिलैक्स किया कि अच्छा और थोड़ी देर ये चला लो, और थोड़ी देर ये चला लो। फिर हमने देखा कि 2009 में हमारी जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है, स्टेट विजिलेंस कमीशन ऐसी कमीशन जो करप्शन के ऊपर रिपोर्ट करती है, एक इन्होंने एफआईआर किया बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिशियल्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये तो इलीगली ये वाले स्टेट लैंड को पॉलिटिशियंस ही खरीद रहे हैं। ये स्टेट विजिलेंस कमीशन की बात कर रहे थे, कहते जो रोशनी एक्ट के अंदर एलिजिबल लोग थे वो लोग भी नहीं है, मतलब दीज पीपल आर नॉट इवन एलिजिबल, फिर भी ये स्टेट के लैंड को खरीद रहे हैं, ये स्टेट विजिलेंस कमीशन ने बोला। फिर उसके बाद 2014 में आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बोला कि आपने कमाना तो था 25,000 करोड़, पर आपने तो 76 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाया है, और ये एक्ट बनी है 2001 में और ये रिपोर्ट आई है 2014 में। 25,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं आपने कमाए, आपने सिर्फ 76 करोड़ रुपीज कमाए हैं। तो इसका मतलब इट इज डिफीटिंग द एंटायर पर्पस ऑफ द लॉ। ये लॉ का कोई पर्पस ही नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस ही क्या था, लैंड देने का, पैसा कमाना, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बने, ताकि रोशनी आए। सो कहते कि ये तो इरेगुलरिटीज हैं, क्योंकि आप अपने आप ही कुछ भी जमीन का दाम रख रहे हैं, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान आ रहा है तो उसको कम दाम पे दे रहे हैं, आप इनएलिजिबल लोगों को भी ये स्टेट का लैंड दे रहे हैं, आप बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई एक्स इंसान खरीद रहा है, पॉलिटिशियन खरीद रहा है, पर नाम किसी और का लिखा जा रहा है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, ये गलत है, आप ऐसा भी काम कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जब रेवेन्यू मिनिस्टर के पास गई, जो जेएनके की सरकार थी उस टाइम पे, तो वो रेवेन्यू मिनिस्टर ने बोला कि ये जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2014 की रिपोर्ट है ये बड़ी मोटिवेटेड है, ये मेरे को सही नहीं लग रही, फिर भी हम इसके अंडर देखेंगे कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कुछ कुछ करके 2018 तक, जो 2018 में जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि अब ये चीज को खत्म करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को भी ये लैंड मिल रहा है और जो पर्पस है इस लैंड का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो डिसीजन वॉज टेकन टू रिपील द रोशनी एक्ट। ओके, ये तब था जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी अगेंस्ट दिस। फाइन, अब ये रिपील का मतलब क्या था? रिपील का मतलब ये था कि इस दिन के बाद, 2018 के बाद, कोई भी ये स्टेट लैंड नहीं खरीदेगा। पर 2018 से पहले जिसने भी रोशनी एक्ट के अंदर ये जमीन खरीदी थी, एलिजिबल जो था अपेरेंटली, जिसके पास अभी ये जमीन है, क्या उसकी भी जमीन हम लोग ले लेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन। So, in 2018, our High Court said, High Court ने बोला कि ये purpose solve नहीं कर रही, तो सरकार ने उसको repeal कर दिया। इसका मतलब इसके बाद कोई भी रोशनी एक्ट के अंदर ये लैंड परचेज नहीं कर सकता। लेकिन इस ऑर्डर से पहले जिस जिसके पास ये लैंड ऑलरेडी आ चुका है, क्या उससे भी छीन लेंगे? नहीं। अब इनकी बात हो रही है आज 2020 में। Now let's read it. अब सरकार कहती है कि जिन्होंने भी लैंड लिया है रोशनी एक्ट के अंदर, उनसे उनका लैंड छीनो और फिर देखो कि उन्होंने जितना भी पैसा दिया है वो कैसे हमने पैसा उनको वापस लौटाना है, जिससे जितने भी इनएलिजिबल बेनिफिशरीज ने रोशनी एक्ट के अंदर
अपना इन्फ्लुएंस यूज करके स्टेट लैंड खरीदा था कम पैसे में या जितने भी पैसे में, उन सबका नाम सामने आ जाएगा, जो भी बेनामी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उनका नाम भी सामने आ जाएगा. सो लेट्स रीड दिस. And all this land is to be retrieved in 6 months. Let's read this. So the J&K government on Saturday decided to declare all the actions taken under the Roshni Act as null and void and has decided to retrieve the land within 6 months. सबसे land ले लेना है. 2018 के बाद तो land दिया ही नहीं, 2018 से पहले की ही बात हो रही है. क्योंकि हाईकोर्ट ने उस टाइम पे बोला था कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है और अनसस्टेनेबल है. किसने ये ऑर्डर जारी किया? जेएनके डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विद द अप्रूवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको सेंटर अपॉइंट करती है. The principal secretary of the revenue department has been asked to pass an order declaring all actions taken under the act as void ab initio. What is void ab initio? Void since the beginning. Mane ye sari ki sara jo ye land wand aapne diya hai, this is void since the beginning. It was never valid. He also said we will work out a plan to retrieve the large tracts of state land vested under Act 2001 in a time-bound manner. 6 mahine के अंदर अंदर कहते हैं हम ये सारा लैंड ले लेंगे और इविक्ट करेंगे, निकाल देंगे सारे एनक्रोचर्स को इस स्टेट लैंड से, और जो भी पैसा इन लोगों ने दिया था ये लैंड खरीदने के लिए उसको भी हम हैंडल करेंगे. रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट है वो बताएगा कि कैसे हमने ये काम करना है. So according to the order, the identities of all influential persons, including ministers, legislators, bureaucrats, government officials, police officers, businessmen, and their relatives or people holding benami for them who have derived benefit under the act shall be made public. And this action will be taken within a period of 1 month. Ye fatafat se they will take out all the names in 1 month and within 6 months ye land wapis aa jayega. Ab ye land wapis aayega to is land ka karenge kya? Ye yahan pe dekhte hain. To J&K and industry will be partners. कहते हैं यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे ताकि जॉब्स मिले, ताकि फाइनेंस इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाए जेएनके की, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी आगे चल के अच्छी हो, और फाइनली हम इसको एक सिक्योर और वेलफेयर ओरिएंटेड टेरिटरी बनाए. सो एक यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम था जिसमें 4 sectors को ओपन अप कर रहे हैं जेएनके में टू इन्वेस्टमेंट एंड हैंड होल्डिंग. So the 4 sectors that they are focusing on are industry and services, technology and innovation, infrastructure and agriculture and allied sector. Ye 4 sectors hain which will be open for investments and hand holding. What is hand holding? Matlab representatives from various many मतलब मेनी स्टेक होल्डर्स विल कम टूगेदर. लेट्स रीड दिस. जैसे ICICI फाउंडेशन का कोई आ गया, BSE से कोई आ गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, IIM से लोग आएंगे, IIT से पॉलिसी एनालिस्ट आएंगे. दे विल होल्ड पीपल्स हैंड, मतलब दे विल हेल्प देम, दे विल पार्टनर विद JNK और इन 4 sectors को बहुत ही बूम करवाएंगे ताकि लोगों को उनकी नौकरियां भी मिले और फंड भी बढ़े और पैसा भी बने, एंड एवरीवन शुड बी हैप्पी. अब इसके बाद आया सी प्लेन मेक्स अ स्प्लैश. ये तो छोटी सी चीज, मतलब है तो बहुत बड़ी चीज, बट द आर्टिकल इज अ लिटिल स्मॉलर. आई मीन यू कैन रीड द एंटायर थिंग, आई विल जस्ट टेल यू द इम्पोर्टेंट बिट. कंट्री का फर्स्ट सी प्लेन सर्विस बिटवीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड द साबरमती रिवर फ्रंट वॉज मेड, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको यूज किया है 31st अक्टूबर को मनाने के लिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिमेम्बरेंस का दिन है, जो कि आयरन मैन ऑफ द कंट्री बोलते थे. सो ये चीज बनी है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए. बाकी आप प्लेन वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं. अगर हम यहाँ बात करें अगेन, क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने अभी बोला था एक्सेस टू जस्टिस. पूरा का पूरा ये द हिंदू, इस आज का जो द हिंदू है वो एक्सेस टू जस्टिस की ही बात कर रहा है. तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट लॉकडाउन लाइवलीहुड क्राइसिस. ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बहुत डेस्परेट हैं जॉब के लिए,
जो कि कहते हैं व्हाट विल वी डू विद एन इरिगेशन सिस्टम एज वी आर लैंडलेस एंड माइग्रेट फॉर वर्क, ना हमारे पास जमीन है, हम क्या करेंगे इरिगेशन सिस्टम की, आपको हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा. एंड कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही. सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्राई फॉर इकोनॉमिक जस्टिस विच इज अगेन पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमारा जो स्टबल बर्निंग हुई है पंजाब में दैट इज डिक्लाइंड यू नो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो वो अच्छी बात है. देन देयर इज ओके नाउ दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ द यूएस, यू कैन रीड इट, आई नो यू आर इंटरेस्टेड. 007 एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. फिर एक ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है सिस्को के ओर से, मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है, वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट. कहते ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली चीज है ना, इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए हैं. पहले क्या होता था कि सारे के सारे लोग जो मैक्सिमम वर्कफोर्स होती थी वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती थी, तो वहीं पे बैठते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे होटल्स में खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, यू नो मूवीज देख रहे हैं, मतलब इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं. इंसान आया किसी और फारफेच रीजन से है, लेकिन मुंबई में आया, मुंबई में नौकरी की, तो मुंबई की इकोनॉमी बढ़ रही है. अब क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये इंसान वापस अपने घर चला गया. अब उधर उसको अपनी तनख्वाह मिलती है, तो वो उस शहर की इकोनॉमी बढ़ाने में योगदान दे सकता है बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो कहते कि वर्क फ्रॉम होम इज स्पर्रिंग रूरल बॉयंसी, मतलब रूरल एरियाज में भी लोग जा रहे हैं, और वहां पे जब वो पैसा लेके जाएंगे और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज मांगेंगे तो उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, या फिर कोई तरीका वो खुद ही बनाएंगे डेवलपमेंट करने का. तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम रूरल बॉयंसी या रूरल डेवलपमेंट की ओर भी हमें लेके जा सकता है. दिस इज वन पर्सन्स अप्रोच, बाकी आपकी सब्जेक्टिविटी. बैंक ऑफ बड़ौदा स्लैशेस द रेपो लिंक्ड रेट. इसमें मैंने सिर्फ इतना ही बताना है कि ये होता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ योर रेट. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हमने पढ़ा है इकोनॉमी में, और हम एक्सटर्नल बेंचमार्क कर देते हैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लिंक किया है रेपो के साथ, राइट? सो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर. ओके, बाकी ये तो हमें पता ही है कि अगर रेट को कम कर रहे हो इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब जो लोन्स लेंगे लोग वो ज्यादा ले सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रीड इट. लेट्स गो अहेड, देयर इज जस्ट द अमेंडेड लैंड लॉज फॉर JNK. ये लैंड लॉज का मतलब क्या है, लेट्स रीड अबाउट इट. सो टिल नाउ ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स were allowed to purchase or sell property in the state of JNK. अब क्या है कि अब कोई भी इंसान, anyone from any part of the country can now buy land in JNK, including agricultural land. Though the amendment prohibits the sale, transfer, mortgage or conversion of agricultural land into a non-agricultural land, लेकिन ये फिर भी allow हो सकता है जब आप DC से permission ले. फिर है द गवर्नमेंट कैन अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू अ पब्लिक ट्रस्ट और अ चैरिटेबल वर्क और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कमर्शियल पर्पस. माने ये पर्पसेस के लिए अलाउ कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन प्रोवाइडेड ये सरकार के नोटिस में आना चाहिए और ये वाकई में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए. फिर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि हेड करेगा फाइनेंशियल कमिश्नर, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एंड दे विल गिव अ फ्रेश डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एज लैंड व्हिच इज यूज्ड और कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फैलो लैंड हैज बीन इंसर्टेड. अब इकोनॉमिकली डिप्राइव पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल फॉर हाउसिंग साइट. सो क्या है कि पहले की जो एक्ट थी JNK की, वो एक परमानेंट रेजिडेंट को ये प्रोविजन देती थी कि वो हाउसिंग साइट्स, मतलब उनको 25 से 30 स्क्वायर मीटर्स तक का जो जमीन है वहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला जाता था जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स होते थे JNK के. अब ये 25 से 30 स्क्वायर मीटर जो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलता था वो बाकी पूरे देश के इकोनॉमिकली डिप्राइव लोगों को भी मिल सकता है, वो वहां पे जाके घर बना सकते हैं.
नाउ द गवर्नमेंट ऑन रिटन रिक्वेस्ट बाय एन आर्मी ऑफिसर, ये भी पढ़ा है हमने, कोर कमांडर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए आर्मी ऑफिसर, अगर उसने सरकार को एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये एरिया इन JNK इसको स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पे ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कर सकूँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए, तो सरकार उसको ये परमिशन दे सकती है। अच्छा, एक और, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बना है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल सेंटर्स एंड इंडस्ट्रीज इन द UT टू इंक्रीज द फाइनेंस एंड द इकोनॉमी, करेक्ट। और ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा इसके अंदर 12 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से 4 डायरेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर से होंगे, अगेन हैंड होल्डिंग, जिनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री ट्रेड फाइनेंस के अंदर ताकि वो मदद कर सके बाकियों की। द कॉरपोरेशन विल हैव द पावर टू अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू लीज सेल एक्सचेंज और ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय इट, ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अच्छा, ये भी है कि अगर कॉरपोरेशन एक लैंड नहीं अक्वायर कर पा रही ये इंडस्ट्री या ट्रेड या फाइनेंस के लिए, तो सरकार एक प्रोसीडिंग कर सकती है और अक्वायर कर सकती है ऐसे लैंड को JNK में फॉर पब्लिक पर्पस, जो कि आर्टिकल 31A है, जो कि पूरे के पूरे देश में वैसे भी होता है। सो अंडर पब्लिक पर्पस गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ लैंड और बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करो। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी वेस्टेड इन कॉरपोरेशन एक्सेप्ट वेन कॉरपोरेशन फाइल्स अ कंप्लेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मेरी जमीन अगर किस कॉरपोरेशन ने ले ली JNK में और बोला यहाँ पे हम इंडस्ट्री बनाएंगे, तो मैं नहीं जा सकती कोर्ट में, और अगर मैं गई तो कोर्ट बोलेगा आई विल नॉट टेक योर केस। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बकायदा हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? आर्टिकल 31 में पढ़ा है, 31A में पढ़ा है, आर्टिकल 31B में भी पढ़ा है, करेक्ट। तो मैं नहीं जा सकती कोर्ट में क्योंकि ये पब्लिक पर्पस के लिए मेरी जमीन ली गई है। लेकिन अगर कमीशन जाए तो जाके ये कोर्ट, अगर कमीशन कॉरपोरेशन गया कोर्ट के पास और बोला ये जो लड़की है ये अपनी जमीन नहीं दे रही है, कितनी बार हमने इसको बताया है, तो जाके कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेके मेरे को समझा के बोल सकता है कि ये जमीन अब पब्लिक पर्पस के लिए कॉरपोरेशन के पास हम दे रहे हैं। No legal suit can be filed against the officials of the corporation without a prior notice of 2 months and not later than 6 months from the date of complaint. So, अगर आम आदमी को corporation से कोई भी problem है जो industries के लिए land ले रहे हैं और तो उनको पहले तो जाके वो court में सीधा नहीं जा सकते, पहले वो जाके complaint करेंगे। Complaint करने के बाद, right, 2 महीने का notice देंगे और 2 महीने के नोटिस के अंदर ही अंदर, मतलब जिस दिन मैंने जाके कंप्लेंट की उस दिन से लेके 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही खत्म हुए 2 महीने, मैं कोर्ट जा सकती हूँ अगेंस्ट दिस मैन हु इज इन द कॉरपोरेशन और वुमन। लेकिन अगर 6 महीने कंप्लीट हो गए और इसके बाद मैं जाना चाहती हूँ कोर्ट, तो वो मेरे को मना कर देंगे। तो कहते बेसिकली जैसे ही 2 महीने खत्म होते हैं, विद इन द एंड ऑफ 2 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, इस पीरियड के अंदर मैं कोर्ट जा सकती हूँ। ओके, व्हाट अबाउट लद्दाख? लद्दाख के ऊपर क्यों नहीं लॉज बनाए? कहते द लॉज ऑफ लद्दाख हैव नॉट बीन मेड एज द लोकल लीडर्स हैव डिमांडेड इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल एंड दे हैव सेड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आउटसाइडर, इसीलिए लद्दाख के लिए अभी तक हमने लॉज नहीं बनाए। देन कमिंग ऑफ टुगेदर ऑफ द क्वाड इन द सीज, अगेन वी हैव डन दिस। तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कल के करंट अफेयर्स में हमने ये बात कर ली थी। तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US की बात चल रही है जो कि फर्स्ट फेज विशाखापट्टनम से सेट ऑफ होगा इन द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2007 दैट द 4 कंट्रीज आर टुगेदर इन द मलाबार नेवल एक्सरसाइज। दे आर नाउ टीमिंग अप टू एक्सरसाइज टुगेदर अंडर द मलाबार बैनर, राइट। दे कलेक्टिवली सपोर्ट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक and remain committed to rules-based international order. तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये उधर खड़े होके सारे के सारी countries सबको you know attack करेंगे, ये इसका purpose नहीं है। वो free, open, inclusive approach रखना चाहते हैं और वो international law को बिल्कुल ही बिल्कुल मान के अपना काम करेंगे। So the Malabar began as a simple passage exercise in 1992 between the navies of India and US.
लेकिन 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, तो थोड़ा सा इशू आ गया था एंड ये थोड़ा सा हॉल्ट हो गया था। 2002 में दोबारा से इसको रिज्यूम किया गया। 2003 का जो मलाबार एक्सरसाइज थी उसमें कुछ चेंजेस आए थे। पहले ये सिर्फ पैसेज की एक्सरसाइज होती थी कि हम यहाँ से जा सके, पैसेज ले सके। फिर क्या हुआ, ये थ्री डायमेंशनल हो गया। इट इंक्लूडेड, दिस एक्सरसाइज इंक्लूडेड इन 2003 द सर्फेस, द सब सर्फेस एंड ऑल्सो द एयर प्लेटफॉर्म, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर। तो पहले सिर्फ पैसेज पैसेज एक्सरसाइज था, अब विजिट भी कर सकते हो, बोर्ड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सीजर कर सकते हो सस्पेक्ट वेसल्स को। और ऐसे ऑपरेशंस वर नेसेसरी ताकि टेररिज्म कम हो एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन्स ना हो, राइट? ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए ये 2003 की एक्सरसाइज हुई थी। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2003 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सॉरी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2003 बोथ साइड्स यूज्ड सबमरीन्स। In 2005, they used aircraft carriers. Then it got converted into a trilateral exercise in 2015 with the inclusion of Japan. And ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है, अब हाल ही में हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया has also become a part of it. So all of this is happening because it is conducive to regional peace and stability. बाकी चाइना के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल में लिखा है कि चाइना का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स दिस क्वाड, तो नॉट मच वॉज सेड अबाउट इट, राइट? सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर एनहांस्ड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इज अ प्रोमिनेंट थीम फॉर द इंडियन नेवी, राइट? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चाहिए होता है ताकि हमारा एनहांस्ड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रहे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड विद इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवी इन द इंडियन ओशन, ये जो क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज है दिस विल बी गुड फॉर इंडिया। This is the first Malabar exercise since India signed a mutual logistic pact with all the three countries. India has also now signed all four foundational or enabling agreements with the US, which take interoperability several notches higher, not just with US but also Australia and Japan. ये आप international relations में पढ़ेंगे कि चारों की चारों foundation agreements अब sign कर दी है, BECA being the latest one. So, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, यू विल रीड दिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यू कैन रीड दिस आर्टिकल टू। वेल, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।